नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही बवाल मच चुका है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों को इसको लेकर सियासत कर रही है। कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी, RJD, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 19 दलों ने नए संसद भवन के समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। दरअसल विपक्षी दलों की मांग है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया जाना चाहिए। इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर नई अहम जानकारी दी। अमित शाह ने कहा, 28 मई साल 2023 को ऐतिहासिक दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सभी विपक्षी सांसदों को न्योता दिया गया है और उन्हें अपनी मौजूद दर्ज करनी चाहिए। गृह मंत्री की ओर से बताया गया है कि नई संसद भवन का उद्घाटन होगा। इस मौके पर पीएम मोदी 60,000 श्रम योगियों को सम्मानित भी करेंगे। अमित शाह ने बताया है कि इसके साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी को सेंगोल भी सौंपा जाएगा। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे योगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ है संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी जिसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे ऐतिहासिक में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक बना रहा था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद अब सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों के बाद हमारे सामने क्यों आई। जब इसकी जानकारी पीएम को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद पीएम मोदी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और निर्णय लिया। अमित शाह ने बताया कि 14 अगस्त 1947 की रात को 10:45 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने में प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार करके सत्ता के ट्रांसफर की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी देने का निर्णय दिया गया। तब लॉर्ड माउंटबेटन को एक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए भारत का वायसराय बनकर भेजा गया था। तब लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रश्न किया कि ब्रिटिशियों के हाथ में सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने थोड़ा समय मांगा था और कहा कि मैं साथियों से चर्चा करूंगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चर्चा करने के लिए स्वतंत्र सेनानी राजगोपालचारी को नियुक्त किया। उन्होंने राजगोपालचारी के सामने रखा। राजगोपालचारी ने उनके पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर प्रक्रियाओं की स्टडी कर साम्राज्य के सत्ता ट्रांसफर की एक सटीक इतिहास रेखांकित करके इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया। हमारी परंपरा में सेंगोल के माध्यम से सत्ता के ट्रांसफर की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया, जिसके बाद ये प्रक्रिया तय हुई। फिर पंडित नेहरू ने प्रवृत्त सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार करके अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता ट्रांसफर को आकार दिया। आइए बताते हैं कि सेंगोल का मतलब क्या है। बता दें कि सेंगोल शब्द संस्कृत के सुंख से लिया गया है, जिसका मतलब है शंख से, और ये सोने या चांदी के बने होते हैं। इसके ऊपर नंदी भी बना होता है। सबसे पहले सेंगोल का उपयोग मौर्य समाज में किया गया था। सेंगोल के राजा के पास पावर और अधिकार के प्रतीक के तौर पर भी माना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।